नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप सब। दोस्ती के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और दोस्ती का नाम लेते ही बहुत जो अच्छे दोस्त हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में बताइए किनका ख्याल आता है। कृष्ण का। और कृष्ण के नाम के साथ किसका नाम याद आता है? सुदामा का। जी हाँ, अच्छे दोस्त जो होते हैं ना, एक का नाम लेते ही दूसरे का नाम माइंड में अपने आप आ जाता है। हमारे बारे में कोई पूछता है या तेरे उस दोस्त का क्या हाल है, तो उसके साथ ही हमारे दूसरे फ्रेंड्स का नाम भी लिया जाता है। तो ये होती है अच्छी दोस्ती। और दोस्त एक्चुअल में होता क्या है, वो जो आप कुछ भी करते रहे, कुछ भी अच्छा या बुरा, आपको नहीं रोकता। ठीक है, उसे क्या फर्क पड़ता है आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। एक दोस्त के अलावा किसी भी इंसान को, या अपने जो हमें अपना समझते हैं, या हम जिनके अपने हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। एक अच्छा दोस्त हमेशा हमें टोकेगा इस बात के लिए कि नहीं यार, तू ये गलत कर रहा है, मैं तेरा साथ इसमें नहीं दूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दोस्ती का ड्रामा करते हैं, शो करते हैं हमें कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन एक्चुअली में वो दोस्त होते नहीं। वो चाहते हैं कि इस बुरी संगत में पड़े, कुछ बुरा करे। यार ठीक है, इसको लोग बुरा कहेंगे, लेकिन जो अच्छा दोस्त होता है वो हमेशा हमें कहेगा नहीं, तू इस राह में गलत है, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। और दोस्ती की कभी कोई एज लिमिट नहीं होती, ना ही किसी की पोजीशन देख के हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं। हाँ ठीक है, कई बार हमारी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि नहीं यार, बड़ा अमीर है, पैसे दोस्ती करते हैं, मजे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन एक्चुअली में दोस्ती क्या होती है, वो जो हम दिल से करते हैं, दिल से अपने आप बनती है दोस्ती। मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कॉलेज लाइफ की, कि जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो ठीक है, शुरू में तो हमारे फ्रेंड्स नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे ठीक है, जान पहचान हुई, हम गर्ल्स आपस में बातें करने लगी। एक लड़की हमेशा मेरे पास आके बैठती थी, मुझे नहीं पता था, ठीक है भी जैसे दूसरे हैं वैसे ये है, लेकिन आज वो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है। और उस टाइम मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी, मैं कैसे आके बैठ सकती हूँ रोज रोज, पता नहीं क्या है इसको, मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हूँ। और आज उसकी और मेरी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है कि हम लोग जब तक एक दूसरे को नहीं बताते ना कि मेरी लाइफ में क्या हुआ है, तो हमें मजा सा नहीं आता, रह जाता है कुछ कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है कि नहीं यार कुछ है, कुछ बाकी है। उसको मैंने जब भी, अच्छे दोस्त क्या होते हैं, हमारी मुसीबत में हमारे काम है, हमें कॉल करें यार आजा मैं बहुत मुसीबत में हूँ, या मुझे काम है, या ये है, उसी टाइम दौड़े दौड़े आते हैं। वो ये नहीं कहते, एक्सक्यूजेस नहीं होते उनके पास, नहीं मैं काम कर रहा हूँ, मैं कल आ जाऊंगा, ये वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, नहीं। अच्छे दोस्त हर कंडीशन में हमारे साथ होते हैं, हमारे सुख में, हमारे दुख में। लेकिन जो लोग ड्रामा करते हैं, वो सिर्फ सुख में तो हमारे साथ देंगे, हमने पार्टी करनी है हमारे साथ चल पड़ेंगे, हमें शॉपिंग करनी है चलो ठीक है, चलो एक आधी चीज़ मैं अभी ले लूँगा, चलेंगे। लेकिन जब हमें परेशानी होती है, जब हम दिक्कत में होते हैं, ऐसे दोस्तों को फ़ोन करो, वो एक्सक्यूजेस देंगे आपको, यार मैं तो यहाँ फंसा हूँ, मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो अच्छे दोस्त की क्वालिटीज़ हमें पहचाननी है। अच्छा दोस्त क्या है? अच्छा दोस्त गुलाब की तरह होता है, जिसकी खुशबू के आगे हमें उसके कांटों की जुगन महसूस नहीं होती। अच्छा दोस्त एक टॉनिक की तरह होता है, जादू की जप्फी होता है, जिसके साथ मिलते ही हम अपने सारे सुख दुख, सारे दुख दर्द जो होते हैं ना, वो भूल जाते हैं, और हमें वो खुशी के लम्हे याद रहते हैं जो हम उसके साथ बिताते हैं। खुशी में, दुख में जो हमारे साथ हो, वही हमारा अच्छा दोस्त है। और ये जरूरी नहीं है कि फ्रेंडशिप सिर्फ लड़के लड़कों के साथ करें, या लड़कियां लड़कियों के साथ ही करें। आज जमाना इतना बदल गया है कि फ्रेंडशिप लड़के लड़कियां कोई मायने नहीं रखता, फ्रेंडशिप होनी चाहिए। लेकिन फ्रेंडशिप कैसी? एकदम सच्ची और अच्छी, जिसको हमें किसी को बताते हुए शर्म ना आए कि ये मेरा दोस्त है। हाँ, ऐसी फ्रेंडशिप हम घर वालों से भी ना छुपाएं, वो होती है अच्छी दोस्ती। जिस चीज को हम छुपाते हैं, इसका मतलब कि वो गलत है, इसलिए हम छुपा रहे हैं। अगर हम सही होते हैं तो हम सब कुछ सच बताते हैं। और कई बार लड़के लड़कियों की फ्रेंडशिप को ले लो, तो उनमें कई बार कुछ ऐसा गलत भी हो जाता है कि आगे जाके उनको पछताना पड़ता है। वो फ्रेंडशिप नहीं होती, वो सिर्फ एक पानी का बुलबुला होता है, उसके फूटते ही सारे भ्रम दूर, जैसे बुलबुला फूटा चलो सब कुछ खत्म, वो फ्रेंडशिप नहीं है। फ्रेंडशिप होती है एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, सही गलत में साथ दो, मुसीबत में उसका साथ दो, वही होता है अच्छा दोस्त। और अच्छे दोस्त की पहचान सिर्फ बुरे वक्त में ही होती है, जो हमारे काम आए बुरे वक्त में, जब भी हम बुलाएं वो आए,
वो हमें एक्सक्यूजेस ना दे कि नहीं यार मैं नहीं आऊंगा या जैसा भी है। हाँ, और फ्रेंडशिप सिर्फ हमारी इस ग्रुप के बच्चों के साथ, या ये हम जरूरी नहीं है कि अब मैं इतनी बड़ी हुई हूँ तो मेरा फ्रेंड भी या जो भी है जिसके साथ भी हमारी फ्रेंडशिप हो मेरी उम्र का ही हो। कई बार हमारे बच्चों के साथ भी फ्रेंडशिप हो जाती है, हमारे से बड़ी उम्र के लोगों के साथ भी हमारी फ्रेंडशिप होती है, तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। सिर्फ हमारे विचार मिलने चाहिए, हमें जो सही राह दिखाए वही हमारा अच्छा दोस्त है। कई बार बच्चों से भी हमें बहुत शिक्षा मिलती है, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छी बातें हमें कह देते हैं, बहुत अच्छे से वो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो इसलिए एक जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी जो होती है ना, वो हमें अच्छे दोस्त देते हैं, लेकिन एक अच्छा दोस्त हमें बेहतरीन जिंदगी देता है। तो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो जिंदगी, खुशमिजाज दोस्तों के बगैर अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे दोस्त बनाते रहिए मेरे जैसे।